भले ही सरकार मरीजों के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं दे रही हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में मौजूद कर्मचारियों की वजह से सरकार के स्वस्थ भारत का सपना नाकाम होते हुए दिख रहा है। जी हां, ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जिला अस्पताल से हमारे सामने आ रहा है, जहां चालक के नशे में होने से मरीज व उसके परिजनों ने जान का खतरा बताया। बुधवार को जिला अस्पताल के 108 एम्बुलेंस चालक की लापरवाही करने का मामला सामने आया है, जहां चालक ने इमरजेंसी के गेट पर एम्बुलेंस लाकर गेट पर ही सो गया। जब सो रहे एम्बुलेंस चालक को लोगों ने उठाया तो एम्बुलेंस चालक से सीधा खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। जब इसके बारे में जब एम्बुलेंस में लाए मरीजों के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने एम्बुलेंस चालक को नशे में बताया और उस पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ में आए अटेंडर से जब बात की तो उन्होंने कैमरे पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया और एम्बुलेंस लेकर अस्पताल से रफू चक्कर हो गए। जब एम्बुलेंस जिला अस्पताल के गेट के बाहर निकल गई तो एम्बुलेंस चालक कैमरे से बचकर काली एम्बुलेंस से में भागता दिखाई दिए और कोई भी जवाब दिए बगैर भाग गए। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के जिला अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा एक व्यक्ति को कार्ट से रेफर कराकर जिला अस्पताल मुरादाबाद लाया गया था। यहां उसे उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस चालक की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस में ही सो गया। जब वहां मौजूद लोगों ने उसे जगाया तो वह नशे में धुत पड़ा था। मरीज के साथ आए परिजनों ने बताया कि एम्बुलेंस चालक नशे में धुत है और इससे एम्बुलेंस भी सही से नहीं चलाई जा रही थी। अटेंडर ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन आधा घंटे से मैं अंदर हूं और इसके चालक भी एम्बुलेंस जिला अस्पताल के गेट पर खड़ी छोड़कर वहां चले गए थे। मैंने उन्हें फोन कॉल की है और उन्हें बुला रहा हूं। जब हमने अटेंडेंट से एम्बुलेंस चालक के नशे में होने की बात पूछी तो उसने यह कह दिया कि मेरी ड्यूटी पर अभी आया हूं, लेकिन ड्राइवर ने नशा कर रखा है, मैं नशे में तो है। हाँ भैया, हेलो। हाँ भैया भैया, ये सर क्या नाम है आपका? नाम राकेश। कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या वो आप काफी देर से सोए हुए थे, क्या मामला है? अच्छा, ठीक। सर क्या ड्रिंक करे हुए हैं? ड्रिंक करे हुए क्या थोड़ा बहुत? नहीं। हल्की फुल्की भी नहीं? इसी गाड़ी में हैं आप भी? इसी में काम करते हैं? किस पोस्ट पे हैं सर? किस पोस्ट पे हैं सर? मैं तो मरीज के साथ हूँ। मरीज के परिजन हैं? स्वास्थ्य विभाग में? परिजनों मरीज के साथ। स्वास्थ्य विभाग में नहीं हो आप? क्या नाम है आपका? मैं शुभम नाम है। शुभम, कहाँ से आप अभी एक मरीज लेकर आये हो? एससी कार्ड से लेके आये। अच्छा, क्या दिक्कत थी? ये रेफर किए गए थे। ये गाड़ी जो चला रहे हैं आप, ये गाड़ी में जिला अस्पताल के जो इमरजेंसी के गेट के बाहर खड़ी करके सो गए थे, क्या है, कोई परेशानी है क्या इन ड्राइवर को? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम होगी, सो गए होंगे। अच्छा, अभी थोड़ा टाइम लग गया पेशेंट एडमिट कराने में। नशा वशा भी करे हुए क्या कुछ? वो ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अभी ड्यूटी ली है, 8 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है नाइट। क्या नाम है उनको जो गाड़ी चला रहे हैं? पायलट राकेश सिंह नाम है। आपका नाम? मेरा शुभम नाम है। कहाँ से लेकर आयो? सीएससी कार्ड जिला अस्पताल मुरादाबाद। आपका? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र, कहाँ से आप अपना मरीज लेकर आयो? कासमपुर से। ये जो गाड़ी जो चला के लेकर आए हैं, क्या वो ड्रिंक करे हुए थे? जी ये तो नहीं करे हुए थे, दूसरे वाले गाड़ी जो चला रहे थे जी। कोई परेशानी हुई आने रास्ते में? नहीं, परेशानी नहीं हुई। आपका मरीज कहाँ है? एडमिट करवा दिया। इलाज चल रहा उसका जी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।